दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों यदि आप लोग काफी विधि करके थक चुके हैं, काफी लोगों को आप ठगी में फंस चुके होंगे, काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि सर काफी लोगों से विधि करवाई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको कहीं भी ठगी में फंसने की जरूरत नहीं है। आप खुद से ही विधि करिए, क्योंकि आपके अंदर खुद ही वो पावर है कि आप किसी के भी माइंड को चेंज कर सकते हैं। मैं जो विधि आपको दे रहा हूं, अगर पूरे विश्वास के साथ में अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करके अगर इस रेमेडी को आप करेंगे, 100% आपको एक दिन में ही इसका रिजल्ट मिलेगा। जरूरत होती है थोड़े से विश्वास की, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहूंगा कि जिस व्यक्ति के लिए आप प्रयोग को कर रहे हैं और उस व्यक्ति पर यदि पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है या उसको पहले से वशीकरण किया गया है या फिर उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ प्रोटेक्शन वगैरह है, ताबीज वगैरह पहना हुआ है, तो उस पर रेमेडीज वर्क नहीं करती है। बाकी दोस्तों देखिए, और लोग जो रेमेडी करते हैं, जो आपको विधि करके देते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। बस जो सावधानियां, जो वीडियो बताई जाएंगी, जो आपको रूल्स रेगुलेशंस बताए जाएंगे, उनको फॉलो करके अगर आज की जो रेमेडी आपको बता रहा हूं अगर वो आपने कर लिया तो कुछ भी विधि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आजमाई हुई प्रैक्टिकल विधि आपको मैं दे रहा हूं। और यदि दोस्तों आपको ऐसा लगता है आपने किसी पर विधि कर रहे हैं असर नहीं हो रहा, तो उसमें पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है, वहां पर यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि रुद्र मेडिटेशन की तरफ से कोई भी फ्रॉड वाले काम नहीं किए जाते, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाती है। तो यदि आप ट्रस्ट करते हैं तो आप मुझसे विधि करवा सकते हैं, अपनी समस्या के समाधान के लिए मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और आज की जो मैं विधि आपको बता रहा हूं, इस विधि को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन समय जो तांत्रिक क्रिया का जो समय होता है दोस्तों, वो 12 से 3 का होता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपको रात्रि में किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो रूल्स है वो आपको बता दे रहा हूं कि आपको स्वच्छ होकर के, स्वच्छ तन मन के साथ में इस प्रयोग को आपको करना है। जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नॉन वेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को आपको नहीं लेना है, ठीक है? और साथ में महिलाएं यदि कर रही हैं तो अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। और स्वच्छ तन मन के साथ में शुद्ध कपड़े पहन करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस प्रयोग को आपको करना है। जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो कोई भी खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे कर्ज की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप अपना बर्थ चार्ट एक बार चेक करा लें, क्योंकि बर्थ चार्ट में कोई भी अगर प्लैनेट अनबैलेंस होता है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होता है, तो आप कोई भी उपाय करते हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। यूट्यूब में जितनी भी रेमेडीज होती है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर है यूट्यूब में जितनी भी रेमेडीज देते हैं, ये सब जनरल होती है, किसी के साथ बैलेंस मैच हो जाती है, किसी के साथ रेजोनेट होती है, किसी के साथ नहीं होती है। जिसका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होता है या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट प्रॉब्लम कर रहा होता है जो अनबैलेंस होता है, तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, बर्थ चार्ट कन्फर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। और घर में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया होती है, काफी लोग जलस में कर देते हैं, तंत्र मंत्र किया कराए, टोना टोटका, बंदिश कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि घर का वास्तु बैलेंस करवाना चाहते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए बंदिश को हटा करके घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि दी जाएगी, ठीक है? आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉल में संपर्क करें।
और दोस्तों जो लोग भी अपॉइंटमेंट की जिनकी बुक नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि एक दिन में इतनी अपॉइंटमेंट हो जाती हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सभी की अपॉइंटमेंट एक ही दिन में बुक हो जाए। तो जिनकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। आप मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप में, जब भी टाइम आपका जस्ट फ्री टाइम होगा तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी, और जिस टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों रात्रि में 12 बजे से 3 बजे के बीच में 3 घंटे आपके पास में रहेंगे। शुद्ध होकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके नीचे आपको आसन बिछाना है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो जमीन में बैठकर नहीं की जाती हैं। सिर पे कपड़ा रखना है, एक घी का दिया जलाना है। दिया जलाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अग्नि साक्षी होती है किसी भी प्रयोग की, तंत्र मंत्र की। ठीक है, और साथ में सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, 9 ग्रहों के राजा है सूर्य। सामने एक पटरा लगा लेंगे, कपड़ा बिछा लेंगे, ठीक है, उसमें दिया जला देंगे। दिए का मुख भी होगा पूर्व दिशा की तरफ, लेटी हुई बाती का आपको दिया जलाना है। ठीक है, और एक आपको लेना है लहसुन का पूरा आपको, यानी कि जो गांठ होती है पूरी लहसुन की गांठ आपको लेनी है। लहसुन की गांठ सड़ी गली ना हो, एकदम फ्रेश आपको लेनी है। दो फोटो आपको लेनी है, एक अपनी एक अगले व्यक्ति की जिसको आप वशीभूत कर रहे हैं। एक आपको काला धागा लेना है, धागा इतना ले लें कि जिसको जब लहसुन की गांठ में आप लपेटेंगे तो पूरा कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा एक काला धागा आप ले लें। और उसके बाद में आपको क्या करना है, महादेव, सबसे पहले अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, अपने पितरों का ध्यान करके आज्ञा लें, आशीर्वाद लें, और फिर बाद में महादेव का ध्यान करें, गणेश भगवान का, 9 ग्रहों का ध्यान करें। आप जिस घर में रहते हैं वास्तुपीठ भगवान का ध्यान करें, आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। फिर बाद में आपको फोटो जो दो ली हुई है अपने, उन दोनों को जला लेना है, टोटल जला लेना है, जरा सा भी अवशेष ना रहे उसका। ठीक है, और फोटो जलाने के बाद में जो उसकी राख निकलती है तो आपको पूरा उसमें क्या करना है, लहसुन का जो आपने गांठ ली है उसमें पूरा रब कर देना है, पूरी उसमें राख उसको लगा देनी है। ऊपर से आपको काला धागा पूरा जो आपने लिया है काला धागा उसमें पूरा लपेट देंगे। ठीक है, फोटो एक साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और फेस की फोटो होनी चाहिए, सामने देखती हुई फोटो हो, ऐसी फोटो आपको ध्यान देनी है। अब उसमें आपने लपेट लपेट दिए, तंत्र का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है मंत्र का काम। जब तंत्र और मंत्र की एनर्जी एक साथ होती है तभी ये एनर्जी फ्लो होकर किसी के दिमाग को चेंज करती है। तो सीधे हाथ में आपको लहसुन की कली रख ली, जो गांठ ली है वो रख लेना है। ठीक है, और एक मंत्र है, ओम क्रीम वशम क्रीम फट, ओम क्रीम वशम क्रीम फट। इस मंत्र को आपको 551 बार उस व्यक्ति को ध्यान करते हुए अपने आज्ञा चक्र में आंख बंद करके यहां पर उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 251 बार आपको, सॉरी 551 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, जाप पूरा हो जाता है। अब इसको, ये जो तंत्र है आपकी सिद्ध हो चुका है, इसको जमीन में बिल्कुल भी आपको टच नहीं होने देना है, किसी की नजर ना पड़े, किसी का हाथ ना लगे, इसको सुरक्षित अपने सिर के नीचे रख करके आपको सो जाना है। ये आपके रात की क्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको सुबह में क्या करना है, नहा धोकर के स्वच्छ होकर के किसी भी तरीके से इस लहसुन की गांठ को, हो सके तो उसके जिस व्यक्ति का आपने वशीकरण कर रहे हैं उसके घर की छत में डाल दीजिए, उसके घर में कहीं पे छिपा दीजिए, या फिर उसके घर के जो घर का जो बाहरी हिस्सा होगा तो उसके साइड में कहीं पे गड्ढा खोद करके उसको दबा दीजिए। किसी भी तरीके से बस ये छोटा सा काम आप कर लीजिए, मतलब कि ये लहसुन की गांठ जो है उसके घर के पास में बिल्कुल घर से टच में होना चाहिए। अगर ये काम आपने कर लिया तो दुनिया में कोई भी विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही उस दिन आपने सुबह किया और शाम तक इसका रिजल्ट देखिए, आप चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। बस पॉजिटिव होकर और विश्वास के साथ में जो रूल्स बताए गए, हाँ, जिस दिन प्रयोग करेंगे ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नॉन वेज ड्रिंक एल्कोहल नहीं, कोई स्टोन वगैरह ना पहना हो, और एकदम शुद्ध होकर के शुद्ध तन मन के साथ में विश्वास के साथ में पॉजिटिव होकर इस प्रयोग को आप एक बार करके देखिए। ये विधि दोस्तों बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, आपको तुरंत में हाथों हाथ इसका रिजल्ट मिलेगा। बस कंडीशन वही आती है, किसी व्यक्ति पर यदि पहले से कोई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। अगर जब तक उसके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया है उसकी काट न की जाए तब तक ये रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। अगर आपको ऐसा डाउट है कि अगले व्यक्ति पर पहले से कुछ क्रियाएं हैं तो उसकी काट करवा करके और ये विधि उससे आप यदि करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आपको ठगी में जो फंस चुके हैं काफी लोग, तो क्या होता है काफी लोग ऐसे करते हैं कि आप, क्योंकि मेरे पास में खुद इस बात का नॉलेज है, काफी मेरे ऐसे क्लाइंट्स जो कॉल करते हैं कि सर हम लोग काफी ठगी में फंस चुके हैं, काफी जगह से प्रयोग कराया, अब वो कॉल नहीं उठाते हैं, कॉल रिजेक्ट में डाल देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ में नहीं होगी, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, है ना। तो आप लोग यदि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं और ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉल में कॉन्टेक्ट करें, आपको 100% हेल्प की जाएगी। ठीक है, और जानकारी को, वीडियो को एक बार देख लें, दो बार देख लें, जानकारी पूरी अच्छे से समझ लें, विधि को अच्छे से समझने के बाद में इस रेमेडी को आप करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई बात फिर भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें, इससे माता रानी को दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें, है ना, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क करें, आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।